मकई लगेल हो? हाँ मकई लगेलिए जेवर बंधक धैके। मकई के भावे नहीं छे तो बेटी के ब्याह की करबे। बिहार के खगड़िया जिले की सुलेखा देवी अकेले इस सवाल से नहीं जूझ रही, बल्कि इस साल प्रदेश के ज्यादातर किसानों का यही हाल है। जेवर जाल बनकी धर के खेती के लिए ये वो उपाय नहीं हो रहल छे, ने सरकार को व्यवस्था करो छे ने को उपाय के रहल छे। कौन उपाय करिए जे न कोरोना वायरस आयल छे, सकतर तमाम सब कुछ लोग जान भेल छे। एहा मन करे छे कि त जहर खा लिए कि पथरी ले जाय ये मकई के देख के। ई सब बाढ़ आ गेले, सब फसल डूब गेले। हो बाबू आब उपाय कोन होते, सब मकई सड़ गेले। कर्जा वाला देबे कि ककरा देबे? कर्जा वाला धरल छे, कर्जा वाला। जेवर गिरवी रख कर खेती करने वाले उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं और आगे की जिंदगी चलाने के लिए जेवर जायदाद गिरवी रखनी पड़ रही है। इन सब की वजह है इस बार मक्के के दाम में आई भारी गिरावट। जेवर बेच के, गहना गुड़िया बेच के मकई खेती के लिए मकई भी नहीं भाव है। बाल बच्चा लड़की के शादी करे के छे, वो भी नहीं हो रहल छे। बच्चा के स्कूल फीस नहीं पूर रहल छे। 1100 रुपया क्विंटल अभी मिल अभी भाव छे। बीते साल खुले बाजार में किसानों को मक्के की MSP से ज्यादा 1900 से 2400 रुपए क्विंटल तक दाम मिल रहा था। इसी को देखते हुए किसानों ने इस साल रबी सीजन में मक्के की खेती बढ़ा दी, लेकिन मक्के के सस्ते आयात के बाद कोरोना संकट किसानों पर दोहरी मार की तरह आया। इससे पोल्ट्री उद्योग और स्टार्च इंडस्ट्री में मक्के की खपत गिरी और इसके साथ खुले बाजार में मक्के का भाव 800 से 1100 रुपए क्विंटल के बीच आ गया, जबकि इसकी MSP बीते साल 1760 रुपए क्विंटल थी और इस साल के लिए 1850 रुपए क्विंटल घोषित है। खेती की लागत ना निकलने से परेशान किसान मक्के की MSP पर खरीद शुरू करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। भारत सरकार से ये घोषणा करे और रखे बात को कि मक्का का समर्थन मूल्य पर सरकार कब तक खरीद की गारंटी देगी, ये मानसून के सत्र में प्रश्न उठाए हमारे सांसद। दूसरा सवाल है हम लोगों का कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार 1965 से निर्धारित किया है, उसको सशक्त कानून का स्वरूप देने के लिए एक विधेयक सदन के पटल में लाए। बिहार में बीते साल 40 लाख टन के मुकाबले इस साल 60 लाख टन मक्के का उत्पादन है। कम कीमत और खरीदार न मिलने की वजह से किसान अब तक सिर्फ 40% फसल ही बेच पाए हैं। ऐसे में सरकार ने 5 लाख टन मक्के के सस्ते आयात को मंजूरी देकर किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सराज एक्सप्रेस।